यार अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, मेरे को नहीं लगता कोई ब्लॉगर आपको दिखाएगा। तो ये तो मैंने बोला तो था 1 रुपये वाला निकल जाएगा, बाकी यहाँ पे राशन नहीं है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम पांडे और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस YouTube की दुनिया में। हम लोग जाने वाले हैं केदारकंठा ट्रैक पे, मैं और मेरा दोस्त मोहित चावलानी। और मैं अभी ट्रेन का अपने इंतज़ार किया, यहीं से बन के चल रही है नंदा देवी 12401। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एडवेंचरस ट्रैक रहेगा और मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग एक्सपीरियंस भी रहेगा। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि केदारकंठा में कितनी सुंदरता है, हालाँकि मैंने भी व्लॉग से ही देखा है लोगों के। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, लेट्स सी आगे कैसे चलता है। तो अभी हम खड़े हैं सांकरी के रास्ते पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारा। 7.5 घंटे का सफ़र कर चुके हैं और बीच में काफ़ी ट्रैफिक भी था बीच, लेकिन यही है कि जो यहाँ पे सुंदरता है वो पूरा रिडीम कर देती है। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 10 और ये था हमारा स्टे यहाँ पे सांकरी में। और अभी हम लोग टूवर्ड्स ट्रैक जा रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हमको बस लेके जाएगी, उसके बाद हमारा रियल एडवेंचर वाला ट्रैक स्टार्ट होगा। मेरे साथ सोलो ट्रैवलर मेघा और मोहित तो है ही साथ में। हम लोग ने अपने गेयर्स ले लिए, एसेंशियल्स देख सकते हैं, शूज़ और ट्रैक पैंट भी मैंने लिया था, लेकिन वो मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा कि मैं अपना यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पर वही मैं तो नहाया नहीं हूँ, फ्रेशन अप हो गया हूँ। और जितने भी फैसिलिटी थी हिमालयन एम्बिशन से काफ़ी सही है। और ब्रेकफास्ट भी हमारा बहुत अच्छा था, आलू के पराठे थे। और जाते हैं ट्रैक पे और आपको मैं साथ में लेके चलूँगा कि कैसा सब कुछ चल रहा है। स्टे ट्यून्ड। तो यार यहाँ के कुछ साथी ट्रैकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यार कि यहाँ पे जितने भी लोग मिल रहे हैं काफ़ी जॉयफुल है। का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, अब आगे का वो तो देख के ही बताओ। एडवेंचरस काफ़ी लग रहा है और यही है कि ये हिम्मत मांगता है और आगे बढ़ते रहना है, बाकी देखते हैं। यार यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने टेंट के पहले ही हर 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 हर। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार सफल हो गया है हमारा आना। ये देखिए मेरे साथ में पीछे भी काफी लोग हैं। तो यार अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, मेरे को नहीं लगता कोई ब्लॉगर आपको दिखाएगा। तो ये भाई ये वॉशरूम है, ये गड्ढा है और इसके हिसाब से आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। बेड वाइप्स, टिश्यूज़, वो सब। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा है, देख सकते हैं, ऐसे ही है। मैं जैसे ही आया टेंट में मैंने बोला कि यार दिखा देते हैं क्योंकि हो सकता है कल बहुत बुरी हालत में रहे। तो यार ये है हमारा आज का स्टे टेंट में। यार एक एकदम सुबह सुबह ऐसी स्नोफॉल हो रही है ना, ओहो हो फील आ रहा है भाई, पूरा वाइब आ रहा है। मोहित तो पूरा के तालाब के बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है। वहाँ देख सकते हैं पीछे कैंटीन है और ये मेरे साथ में पुणेकर्स, अपन को भी देखना है एक दूसरे को। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यार, काफ़ी एडवेंचरस भी है। यहाँ पे लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है ऐसा मालूम पड़ रहा है, और फिलहाल मेरे साथ तो सब सही चल रहा है। थोड़ा भी चेंज कर लिया मैंने। ये गाइडलाइन है कि यार जब आप ट्रैक कर रहे हो ना तो ज़्यादा लेयर नहीं पहननी, एक इतना ही पहनना है कि मतलब काम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट होता है ऊपर। और वेदर की बात करें तो हर मोमेंट पे ना वेदर चेंज होते जा रहा है, कभी बर्फ़ गिर रही है, कभी एकदम से सूरज आ जा रहा है, तो सही चल रहा है फिलहाल तो। आगे देखते हैं। जो ये वेदर है ना, हाँ जैसे साफ हो जाएगा हाँ तो और ज्यादा ठंडा हो जाता है। अच्छा अभी जैसे स्नो हो रही है हाँ। तो अभी जो ठंडा नहीं है उतना, अच्छा गर्म हो जाता है ना ये पूरा हाँ। तो अभी ठंडा नहीं उतना, अभी ठंडा नहीं होता यार। हमको तो बहुत ठंड लग रही है क्या बात कर रहे हैं। हमको तो आदत है 1:30 का वेकअप कॉल रहता है जब सनराइज जाते हैं। अगर वेदर क्लियर रहा लगा हमको कि सनराइज हो सकता है सभी का प्रॉपर बढ़िया से, तो 1:30 का वेकअप कॉल देंगे सभी को, उसमें आप सभी आ सकते हैं। जो स्लोअर है, स्लो वॉकर भी है, वो भी ऐड हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। वो फिक्स टाइमिंग है जो हम आपको सनराइज के लिए लेके जाएंगे। बाकी वेदर क्लियर नहीं रहा लगा, क्लाउडी है, स्नोफॉल हो रहा है रात में, तो उसके बाद में दूसरा वेकअप कॉल रहेगा आपका 4:30 तक का। 4:30 उन बंदों के लिए जिनको ये लगता है कि लास्ट तक में कि हम अपना गाइड के साथ में जाके गाइड के साथ वापसी रिटर्न इतने टाइम होना है कि जो दूसरा बैच यहाँ पहुँचेगा मैक्सिमम 12 बजे तक के लिए, तब तक के लिए हम रिटर्न होके यहीं पे अपना लंच हो जाए। ठीक है ओके सर, उसमें देख लेना ओके सर, कौन कौन आना चाहता है। मैसेज क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैंने कहा कि टॉकी बंद हो गई थी। तो मैंने बोला तो था ये ग्रुप ये वाला निकल जाएगा, बाकी यहाँ पे राशन नहीं है। रात के बज रहे 3:15 हो रही है। हमारा 3 बजे डिपार्चर हो गया था वहाँ से। हम लोग जा रहे हैं आखिरकार समिट में। कल काफ़ी भारी बर्फबारी हो गई थी, लोगों को लग रहा था यार नहीं हो पाएगा समिट, नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जानता था कहीं ना कहीं अगर महादेव ने इतनी दूर तक बुलाया तो समिट पे भी बुला ही लेंगे। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये बात आगे बढ़ते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे समिट। हिमालयन एम्बिशन, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हर 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 हर। तो यार राउंड 2.5 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। देख सकते हैं ऐसा है कि हमारी गाइड ने बोल रखा है हर 10 मिनट में एक रेस्ट लेंगे, स्मॉल पॉज ऑफ 2-3 मिनट्स। अभी भी 1.5 किलोमीटर बाकी है। धीरे धीरे सनराइज स्टार्ट हो चुका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ये पहला सनराइज इस न्यू ईयर का, भाई क्या एक्सपीरियंस है यार, क्या एक्सपीरियंस है। जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो समिट के तो सब वर्थ इट रहता है। क्यों सांगा भाई, बहुत मजा आ रहे भाई।